बस मेरे को जो कमी दिखी ना भाई इस वाले फोन में, एक चार्जिंग स्पीड भाई, इसकी चार्जिंग थोड़ी सी स्लो है दोस्तों। तो हाँ भाई, कैसे हो आप सब। तो यार मेरे को पोको M6 Pro 5G को यूज करते हुए 30 दिन हो चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम इसकी फुल टू फाइनल रिव्यू करने वाले हैं। मेरे को इस वाले फोन में स्विच क्या अच्छा लगा है, क्या खराब लगा है, सारी बातें आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते कि मुझे इस वाले फोन में क्या अच्छा लगा है, उसके बाद बात करेंगे कि क्या मेरे को अच्छा नहीं लगा है। अब यहाँ पे डिजाइन की बात करूँ तो डिजाइन भाई फोन का काफी प्रीमियम किया गया है। हालांकि ये जो डिजाइन है आपको रेडमी 12 5G में भी मिल जाएगा। बाकी जो बैक है ये प्योर ग्लास के साथ आता है जो कि काफी प्रीमियम लुक देता है इसको। हालांकि अगर आप ब्लैक कलर ले रहे हो ना तो मैं मना करूंगा क्योंकि इसके ऊपर काफी ज्यादा फिंगरप्रिंट के निशान आते हैं। और बिल्ड क्वालिटी भी फोन की सॉलिड है दोस्तों, कहीं से मुड़ता नहीं है, कहीं से दबता नहीं है। फोन की इनहैंड फील थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है, फोन थोड़ा सा बड़ा है तो आप वन हैंड यूज नहीं कर पाओगे। और ये साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट के साथ आता है जो कि हर बार अच्छे से काम कर जाता है। स्पीकर में ये लोग थोड़ा सा अच्छा कर सकते थे, सिंगल स्पीकर है लेकिन मेरे को लाउडनेस उतनी अच्छी नहीं लगी। हालांकि क्लियरिटी होती है वॉइस में। और अभी तक आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। ये सब मैंने खुद के पैसे से लिया है कि आपको एक हॉनेस्ट रिव्यू दे सकूं। अब यहाँ पे इसमें जो डिस्प्ले दी गई है 6.79 इंच की फुल HD प्लस 90 हर्ट्ज वाली आपको डिस्प्ले मिल जाती है। और मैंने इसमें मल्टीमीडिया कंज्यूम करा था, डिस्प्ले के कलर्स वगैरह आपको अच्छे मिलेंगे दोस्तों, कलर एक्यूरेसी डिस्प्ले की अच्छी है। इवन इसमें आपको 550 की पीक ब्राइटनेस मिलती है तो आउटडोर में भी अगर आप यूज करते हो ना तो विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ज्यादा हार्ड सनलाइट रहेगी ना भाई तो वहां पे थोड़ा सा दिक्कत करता है। बाकी 90 हर्ट्ज का काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज है, डे टू डे यूज में आपको फील होगा स्क्रॉलिंग वगैरह करने के टाइम। अब इसकी बैटरी बैकअप की बात करूं तो आपको 5000 एमएएच की बैटरी मिल जाती है। अगर आप नॉर्मल यूजर हो ना तो एक से डेढ़ दिन का बैकअप ये आपको इजीली निकाल कर दे देगा। यहां पे थोड़ा सा चार्जिंग टाइम ज्यादा है, अगर आप 18 वोल्ट के फास्ट चार्जर से इसको चार्ज करते हो तो 2 घंटा 30 मिनट लगाता है ये फोन 0 to full चार्ज होने में। एंड ये जो फोन है एंड्रॉइड 13 के साथ आता है। अब भाई पास्ट में MIUI के साथ लोगों का काफी बुरा एक्सपीरियंस रहा है भाई क्योंकि ये लोग मदरबोर्ड डेट कर दे रहे थे। बट यहाँ पे देखो मैं एक ही वर्ड कहूंगा, देखो प्रॉब्लम सभी ब्रांड के साथ होती है लेकिन टाइम टू टाइम वो लोग फिक्स कर देते हैं उसको। बाकी UI वगैरह मेरे को तो स्टेबल लगा है भाई, कोई भी बग या फिर जिटर वगैरह महसूस नहीं हुआ है मेरे को UI में। और अगर बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की तो भाई इसमें आपको स्नैपड्रैगन 4Gen 2 का प्रोसेसर लगा हुआ मिल जाता है। मैंने इसकी अंतुतु इसको निकाली थी, 3,50,000 की इसकी अंतुतु इसको निकल के आई थी दोस्तों। एंड मैंने इसमें BGMI प्ले करा था, आपको 40 FPS की ये गेम प्ले निकाल कर दे देगा। मेरे को कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं मिला भाई, काफी अच्छे से ये आपको गेमिंग करा देगा। मतलब परफॉर्मेंस में ये फोन तगड़ा है जिस प्राइस पॉइंट में ये फोन आता है। बाकी गेमिंग के दौरान थोड़ा सा नॉर्मल सा ये फोन हीट होता है, वैसे ओवरहीटिंग का इशू नहीं है। एंड इसमें आपको UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिलती है तो ऐप ओपनिंग ऐप क्लोजिंग भी काफी अच्छी है। हालांकि रैम मैनेजमेंट थोड़ी सी बेटर हो सकती थी, एप्लीकेशन को ये ज्यादा देर तक रैम में नहीं रख पाता है। और ये जो फोन है 50 MP के प्राइमरी सेंसर के साथ आता है और आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। अब मैंने इसे फोटोज ली थी, फोटोज अच्छी आती है, कलर्स वगैरह आपको नेचुरल साइड पे मिलेंगे, इवन फोटोज में डिटेलिंग वगैरह भी काफी अच्छी होती है दोस्तों। लेकिन अगर आपके बैकग्राउंड में ज्यादा लाइटिंग होगी ना तो उस कंडीशन में ना ये फेस को डार्क कर देता है। बाकी सेल्फी कैमरे से हमने फोटोज लिया था, वहां भी फोटोज जो है वो अच्छी निकलती है, कलर्स वगैरह आपको अच्छे मिलेंगे। मतलब आपको फोटोज प्राइस पॉइंट के हिसाब से ऊपर ही मिलेगा, नीचे नहीं मिलेगा। ये जो फोन है सेल्फी कैमरे से फुल HD वीडियो 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकता है और यहाँ पे आप क्वालिटी देख सकते हो इसकी कि ये कैसी वीडियो रिकॉर्ड करता है। और अभी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है दोस्तों रियर कैमरे से फुल HD 30 FPS पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि रियर कैमरा कैसी वीडियो रिकॉर्ड करता है। तो यहाँ पे प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसका कैमरा मेरे को अच्छा लगा है। बाय द वे मैंने इसकी कैमरा टेस्टिंग कर रखी है तो अगर आपको और अच्छे से देखना है तो आप चेकआउट कर सकते हो चैनल पे जाके। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके नेटवर्क की तो ये जो फोन है एक 5G डिवाइस है, यहाँ पे आपको 4G प्लस का भी सपोर्ट मिल जाता है। मैंने कॉल वगैरह लिया था, कॉलिंग के दौरान मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ भाई, अच्छे से आवाज आता है, अच्छे से आवाज जाता है। हालांकि नॉइजी एरिया में थोड़ा सा दिक्कत करेगा बिकॉज इसमें नॉइस कैंसिलेशन माइक नहीं है। बाकी इसमें MIUI डायलर मिल जाता है आपको, तो कॉल रिकॉर्ड करना चाहो ना तो बिंदास कर सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मुझे क्या चीजें अच्छी नहीं लगी इस वाले फोन में, तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से हम जजमेंट देंगे। अगर मैं इसकी प्राइस 11,000 रुपया देखूं तो भाई 11,000 के प्राइस पॉइंट में जो इसमें चीजें दे रखी है ना, मतलब ग्लास बैक, 50 MP का कैमरा, फुल HD प्लस 90 Hz रिफ्रेश रेट दोस्तों, और एक 5G डिवाइस, ये चीज ना अभी के टाइम पे कोई भी ब्रांड आपको नहीं दे रहा है। बस मेरे को जो कमी दिखी ना भाई इस
वाले फोन में एक चार्जिंग स्पीड भाई, इसकी चार्जिंग थोड़ी सी स्लो है दोस्तों, और जो रैम मैनेजमेंट है ना वो भी थोड़ी सी स्लो है। बाकी नॉइस कैंसिलेशन वगैरह नहीं है, तो हमें प्राइस पॉइंट के हिसाब से ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी है। बट यहाँ पे 11,000 में 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर दे देते ना, तो फिर भाई सोने पे सुहागा फोन एकदम तगड़ा हो जाता। वैसे अभी भी तगड़ा है भाई, यहाँ पे बस मदरबोर्ड डेट ना कर दे पोको वाले। तो अगर आपका बजट 11,000 रुपया है तो आप इसके लिए डेफिनेटली जा सकते हो, ये आपको काफी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करेगा। बाकी आप बताओ कमेंट करके कि आपको कैसा लगा ये वाला फोन, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। चलो मिलते हैं फिर से किसी और ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे भाई।